بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome all to the Evergreen Public School Kari YouTube channel. So आज हम पढ़ेंगे हमारे रेशन प्रोपोर्शन का तीसरा टॉपिक. आपका सब टॉपिक है परसेंटेज. पहले तो चैप्टर में हमने पढ़ा था सबसे पहले रेशन प्रोपोर्शन, फिर सेकंड काम पे हमने पढ़ा था आपका यूनिट्री मेथड. तो आपका जो आज का टॉपिक है दैट इज परसेंटेज. तो सबसे पहले हम परसेंटेज डिफाइन करेंगे इंटाइमोलॉजिकली, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन पता करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का और दो तीन आपका एग्जांपल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, परसेंटेज क्या है? परसेंटेज अगर इंटाइमोलॉजिकली अगर देखा जाए, इफ परसेंटेज इज टेकन एज इंटाइमोलॉजिकली, इंटाइमोलॉजिकली मीन्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी द इंटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ परसेंट मीन्स पर हंड्रेड को हम इंटाइमोलॉजिकली परसेंटेज के नाम दिया जाता है. अगर इस परसेंटेज को मैथमेटिकली देखा जाए, इफ परसेंटेज इज टेकन एज मैथमेटिकली देन परसेंटेज इज नथिंग बट अ रेशियो, बट इट इज अ रेशियो और अ फ्रैक्शन, इज एक फ्रैक्शन है या रेशियो है जिसकी हूज डिनोमिनेटर इज 100, जिसकी डिनोमिनेटर 100 होगा. अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 100 होगा, उस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज कह सकते हैं. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिनोमिनेटर होगा, एक फ्रैक्शन हम लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय 100 इज अ फ्रैक्शन, या आपका एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन का 7 आपका न्यूमरेटर है, दिस इज योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका 100 है, दिस इज योर डिनोमिनेटर. सो दिस परसेंटेज कैन बी लिंक एज परसेंटेज, दिस फ्रैक्शन कैन बी लिंक एज परसेंटेज, इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो सबसे पहले इसको हम रेशियो के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 7:100 होगा. दिस द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ दिस फ्रैक्शन विल बी 7:100. एंड सिमिलरली अगर इसका परसेंटेज लिखेंगे तो इसको परसेंटेज के फॉर्म में 7 लिखेंगे तो इसके बाद परसेंटेज का हम सिंबल लिखेंगे, दिस विल बी द सिंबल ऑफ परसेंटेज, आपके परसेंटेज का सिंबल होगा. तो किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में भी हम डिफाइन कर सकते हैं और रेशियो की फॉर्म में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो आपके पास जो भी फ्रैक्शन होगा, आपका डिनोमिनेटर अगर सब नहीं भी होगा, उसको हम परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आपके इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया है आपको. फॉर एग्जांपल आपके पास किसी बच्चे का मार्क्स अगर दिया होगा, इफ ए बॉय स्टूडेंट स्कोर्स, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 75 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 76 मार्क्स इन सोशल साइंस, 70 मार्क्स इन से साइंस जनरल साइंस, 95 मार्क्स इन इंग्लिश. तो आपको हर सब्जेक्ट अगर परसेंटेज निकालेंगे आउट ऑफ 100, टोटल मार्क्स अगर 100 अगर होगा, टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे, यहां पे हम परसेंटेज से पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे आपको फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. तो इफ द बॉय ऑफ द और द स्टूडेंट स्कोर 75 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, देन द फ्रैक्शन विल बिकम 75 डिवाइडेड बाय 100. सिमिलरली फॉर दिस मार्क्स इट विल बिकम 76 डिवाइडेड बाय 100.
For this mass, it will become 70 divided by 100. For this mass, it will become 95 divided by 100. तो इन चारों की जो डिनोमिनेटर है वो 100 है, therefore इसको हम डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका परसेंटेज होगा 75 मार्क्स, 75%, दिस विल बी 76%, और ये आपका 70% होगा, ये आपका 95% होगा। इसको हम रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बिकम, अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ये होगा 75:100। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का एचसीएफ 5:5 होगा, तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, एचसीएफ 25 होगा, सॉरी, तो 25:75, 3:4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। सिमिलरली इन तीनों को भी हम पहले रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर होगा इनका, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका एग्जाम्पल कम्प्लीट हो गया, तो हम चलेंगे, लेट्स मूव टुवर्ड द मेन एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन वन बोला एक्सप्रेस दीज फ्रैक्शन इज परसेंटेज। आपका आपके पास फ्रैक्शन दिया है, पहला फ्रैक्शन आपका पहला पार्ट 2/5, सेकंड क्वेश्चन 37/30, 37/50, एक्सरसाइज 9.3, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट 9/225, एंड लास्ट का आपका है फोर्थ पार्ट 2/7। तो करना क्या आपको, रिवीजन पहले के कैसे करेंगे भाई, देख लीजिए, नीचे वाले जो टर्म है उसको हम 100 बनाना है, 100 बनाना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसका परसेंटेज हम निकालेंगे, 2/5 होगा आपका, तो परसेंटेज उस रेशियो को बोला जाता है, उस फ्रैक्शन को बोला जाता है जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा, तो इस नीचे वाले को जब 100 बनाएंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, therefore it will become 2 × 100 इसको 20 से, सॉरी, इट विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 × 40, 5 × 10 हो गया, तो 40/100 द परसेंटेज ऑफ दिस नंबर विल बी 40%। Similarly for this, you have to multiply the denominator by 2, therefore the answer becomes 32/2/50/2, आपको जो denominator होगा उसको 100 बनाना है, that will become 32/7, क्या होगा 32×7, 2/7 = 14, 1/3 = 36, 7/100, therefore the percentage will become 74%. Therefore, 37/50, the fraction, the percentage of this particular fraction will be 74%. इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एज ए होमवर्क कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, आपके पास डेसिमल दिया है, पहला डेसिमल 0.05। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट 0.73। तो करेंगे क्या, पहले इसको हम फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 0.05 × 100/100 लगाओ, that will become, क्या बनेगा, 0.05 × 100 will become 5/100, therefore the percentage of this particular decimal will be 5% बनेगा। सिमिलरली इसका हम बनाएंगे, तो इसका सोल्यूशन होगा 0.73 × 100/100, there will become 73/100, there will become 73%।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुआ। इसका दो और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, क्या आपके लिए होमवर्क होगा। सेक थर्ड एंड फोर्थ पार्ट विल बी योर होमवर्क, आपका होमवर्क होगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर थ्री आपको करना है, क्वेश्चन नंबर फोर मैं यहां पे कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्रेस द परसेंटेज इज फ्रैक्शन, आपको परसेंटेज दिया है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर फोर फर्स्ट पार्ट इज 33%, 33% मींस हुज डिनोमिनेटर इज 100, देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ दिस पार्टिकुलर वैल्यू विल बी 33/100, सो दिस विल बिकम 0.33 विल बी द आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर का, क्वेश्चन नंबर फोर मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड आपको करना है। आपके पास है 12.5%, सो द वैल्यू ऑफ दिस पार्टिकुलर पर्सन इन फ्रैक्शन विल बी, सॉरी दिस इज योर डेसिमल, फ्रैक्शन में आपको निकालना, ये आपका फ्रैक्शन होगा। अगर डेसिमल में निकालेंगे तो इसको सबसे डिवाइड करेंगे, जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो आपको लिखना है। इसमें आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 12.5 डिवाइडेड बाय 100, और इसको हम इस तरह भी लिख सकता है 12.5 × 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 × 10 देयर विल बिकम 125 डिवाइडेड बाय 1000। तो 25 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, तो इस 25 से जब डिवाइड करेंगे 25 × 125 / 25 × 100 देयर विल बिकम 1/8, 1/8, 840, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन इन फ्रैक्शन विल बी 1/8। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर फाइव भी आप कर सकते हैं, आपको देखना है क्वेश्चन नंबर फाइव, मैं कर लूंगा क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके पास है, क्वेश्चन नंबर सिक्स रीड सेज, व्हाट पर्सन ऑफ 42 इज 14, आपके पास जो टोटल नंबर दिया है वो 42 दिया है, तो परसेंटेज निकालना है। अगर 14 अगर इसका कोई नंबर होगा तो 42 का कौन सी पर्सन 14 के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेट एक्स पर्सन ऑफ 42 इज इक्वल टू 14, 42 के एक्स पर्सन 14 के बराबर रखेंगे, तो एक्स पर्सन मीन्स एक्स डिवाइड बाय 100 इंटू 42 विल बिकम 40, देयरफॉर द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 42, देयर विल बिकम एक्स इज इक्वल टू 14 × 140, 14 × 42, therefore x is equal to 100 divided by 3, there will become x is equal to 33.33%। सबको तीन से मल्टीप्लाई करो, 33.33 होगा, यही क्या होगा आपका x का वैल्यू होगा। therefore 33.33 of 42, 33% of 42 will be equal to 14, 33.33% of 42 will be equal to 14। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेवन आपका है, क्वेश्चन नंबर सेवन आल्सो रीड, व्हाट पर्सन ऑफ 2 आवर इज 45, आपके पास 2 घंटे दिया है और 45 मिनट भी दिया है, 45 मिनट 2 घंटे की कौन से परसेंटेज के बराबर होगा, हम लिखेंगे फिर से, लेट एक्स पर्सन ऑफ 2 आवर्स विल बी इक्वल टू 45 मिनट्स, सो x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 आवर्स, इंटू आवर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, देयरफॉर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 2 आवर इज इक्वल टू 2 × 60 मिनट, देयर विल बिकम 45 मिनट्स। तो क्या होगा, x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120 इज इक्वल टू 45, therefore the value of x will be equal to 45 × 100 whole divided by 120, 0 cancel out, therefore x is equal to 45 × 10 / 12, तो आपको 3 से ये कैंसिल होगा, 3 × 4
12, 3 into 15 will be equal to 45. 15 into 10 will be 150 divided by 4. Therefore, the value of x will be equal to 4 into 3, 12, 3, 0, 30, 4, 7, 28, 4, 7, 28, 30, 37.5. Therefore, 37.5% of 2 hours will be equal to 45 minutes. Therefore, आपका x का वैल्यू आ गया 37.5. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका. क्वेश्चन नंबर 8, विच इज ग्रेटर 10% ऑफ 2 मीटर. क्वेश्चन नंबर 8, 10% ऑफ 2 मीटर और 25% ऑफ 1.5 मीटर. 25% ऑफ 1.5 मीटर. 1.5 मीटर. तो दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का वैल्यू निकालेंगे, जो बड़ा होगा उसी की तरफ साइन लगा देंगे. तो 10% ऑफ 2 मीटर मींस 10 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 2 मीटर और 25 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 1.5 मीटर. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर विल बी 2 डिवाइडेड बाय 10 मीटर. That will become 0.2 meter. And the value of this particular number will be 25 into 1.5 meter divided by 100 will be equal to 15 into 5, 75, 75 ka saath asil. 15 duni 30, 30 saath 37, 37 hoga. To ek digit ke baad point hoga. Divided by 100 meter. There will be equal to 0.375 meter. तो आपका पहले का वैल्यू है 0.2 meter and the value of second number will be 0.375. इनमें से ये वाली बड़ा है. Therefore, this number is greater than this number. Therefore, हम लिख सकते हैं 25% of 1.5 meter is greater than 10% of 2 मीटर. सो ये आपके हो गया कंप्लीट सेकंड एक्सरसाइज 9.3. तो अगले दिन हम पढ़ेंगे दूसरी चैप्टर. थैंक्स फॉर ए नाइस डे.